हे गाइस, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग। और आज हम ब्लॉगिंग करने वाले हैं शॉप पर ही, क्योंकि फ़िलहाल आज जाने का कहीं मूड नहीं है। बाकी फ़िलहाल अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम से कहीं जाना और कहीं नहीं जाना था, लेकिन मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है। एक बैंक की पासबुक लेके आनी है, उसकी एंट्री करवानी है, थोड़ा सा कुछ लफड़ा हुआ है उसके चक्कर में, तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल घर पहुंचता हूं, फिर बैंक जाऊंगा, तो बैंक जाके एंट्री करवाऊंगा। तो फ़िलहाल चलते हैं अभी घर और लेके आते हैं पासबुक और एंट्री करवाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। I'm stuck on repeat, I see the same sky as every night. Oh, I need a sign. वैसे फिलहाल हम निकल चुके हैं दुकान की तरफ। भैया को भी हमने लिफ्ट दे दी, पीछे बैठे हैं। पता नहीं माइक में आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं, क्योंकि मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, आ रही होगी शायद, नहीं भी आ रही हो। चलिए फिलहाल चलते हैं बैंक जाने। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं अपनी बैंक में, ये रही बैंक। गाइस फिलहाल तो नहीं हो पाई एंट्री, मैम बोल रही है सर्वर नहीं है। बाकी देखते हैं कितना का टाइम लगेगा, अभी चलते हैं दुकान पे, फिर इसके बाद देखते हैं थोड़ी देर से आके और फिर पूछेंगे मैडम से कि नेटवर्क आया है कि नहीं आया। तो गाइस फिलहाल आ चुके हैं शॉप पे और नेटवर्क तो आ नहीं रहा, मतलब बैंक में सुबह से नेटवर्क नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं अपन कैसा कितने का टाइम लगेगा बैंक में, तो अपन अभी दुकान पे बैठते हैं, जाएंगे थोड़ी बहुत देर से बैंक में, फिर चेक कर लेंगे एक बार नेटवर्क आया कि नहीं आया। नेटवर्क आ जाए तो अच्छा रहेगा, काम भी हो जाएगा अपना। फिलहाल वेट करते हैं कुछ देर बैंक के लिए, बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत काम निकाल पड़ा हुआ है वो निपटा लेते हैं, फिर चलेंगे बैंक डबल से। तो वही फिलहाल हो चुकी है शाम और बैंक वगैरह मैं डबल से गया था, लेकिन वहाँ पे भी कुछ काम बना नहीं अपना, तो पासबुक उन्होंने ऐसे ही रिटर्न कर दी। बाकी फिलहाल हम निकल रहे हैं घर, और घर पे जाके जो हमने स्टिकर बनाए थे वो हमें बाइक पे लगाने हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं और उसके बाद बाइक कुछ अलग सा करते हैं, उस पर टैंक वगैरह पे लगाने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले बाइक को धो लेता हूँ अच्छे से, और उसकी थोड़ी सी कुछ सर्विस भी करवानी है, तो वो भी हो सकता है मुझे कल जाना ही पड़े, अगर वो मुझसे हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर कल या परसों में उसको फिर सर्विसिंग ले जाऊँगा। अभी चलते हैं अपन घर और पहुँचते हैं जल्दी से। फिलहाल हम तो घर पे हैं, पर क्या हुआ कि मुझे आते हुए बीच में थोड़ा सा काम आ गया था, इसलिए मैं लेट हो गया था। बाकी गाड़ी को मैं धो भी नहीं पाया, और मैंने जस्ट अभी पेपर लगा के देखा अपना, जो जो मैंने बनाया ना, वो जो मैंने बनाया था ना, वो टैंक पे सही से आ नहीं रहा। एक्चुअली में वो क्या हो रहा है, बड़ा पड़ रहा है, तो इसके लिए फिर कुछ और हमें देखना पड़ेगा, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। अब होगा यदि तो मैं कल भोपाल जाने वाला हूँ, तो तब कुछ कर सकते हैं इसके लिए, बाकी देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल तो ये बड़ा पड़ रहा है, अपन ने लगा के चेक करके रख के आया हूँ मैं, अभी देखा मैंने तो बड़ा भी पड़ रहा है और बाइक भी नहीं धो पाया, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता फ़िलहाल की स्थिति में, आज तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी इसका ब्रेक वगैरह टाइट हो रहा, तो ये देखिए इस तरह से कितना टाइट हो रहा है, कितना टाइट घूम रहा है, ये सही से घूम भी नहीं रहा है, इतनी तेज ब्रेक लग रहा है इसका। अगला डिस्क ब्रेक जो है, तो डिस्क ब्रेक भी थोड़ी सी इसमें मिस्टेक आ गई है फ़िलहाल की स्थिति में, तो कल मैं जाऊंगा इसको हो सकता है सर्विसिंग करवाऊं, क्योंकि ये बगैर डिस्क ब्रेक, मतलब डिस्क ब्रेक है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ चिपक रहा है, अपन पिकअप देते हैं तो पिकअप भी नहीं ले रही है सही, तो कल इसको दिखाना भी है। अगर टाइम मिल पाए तो मैं जाऊंगा, और हो सकता है नहीं भी जाऊं, क्योंकि शॉप पे यदि काम रहेगा और सर्विसिंग में पूरा दिन लगाते थे ये लोग,
बाकी फ़िलहाल देखते हैं क्या हो सकता है, कल सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बाकी व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।